नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज का कार्यक्रम बेहद खास, क्योंकि आज हम आप बात करेंगे अपने घर की दिशाओं के बारे में। और आपके घर की दिशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तु का पूरा आधार ही घर की दिशाएं होती है। और घर की दिशाओं का सही ज्ञान आपके जीवन के अंदर खुशियां या फिर दुख लेकर आ सकता है, क्योंकि वास्तु के अंदर बेहद खास तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का कार्यक्रम। वास्तु की दिशाएं हैं, जो कि अभी अभी हमने आपको दिखाया भी कि वास्तु की दिशाओं का अपना रहस्य होता है। ये रहस्य क्या है? ये रहस्य क्या होता है कि दिशाओं के अपने अपने असर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम दिशाओं को ठीक तरह से यूज करना सीख जाए तो हम जीत जाते हैं। हमें दो लाइनें याद आ रही है कि जो दिशाओं को का असर जान जाते हैं वो भाग्य को पहले ही पहचान जाते हैं, बच जाते हैं खाने से ठोकरें, औरों को भी वास्तु का ज्ञान देते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे उन सब दिशाओं की जिनका असर हम सोचते हैं कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, दिशाएं कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने जो है नेगेटिव डायरेक्शंस को आपने अपने भले के लिए यूज करना है, तो आप सीख जाएंगे कि कोई भी नेगेटिविटी आपका भला कर सकती है। जरा सोचिए, इंग्लिश में जब वास्तु लिखते हैं VASTU, इसको अगर आप उल्टा लिख देंगे तो भी कुछ सा बन जाता है UTSAV। कमाल की चीज है वास्तु, बट इसमें कलाकारी आपकी है कि कैसे सीख जाते हैं आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। और लगातार आपको खास जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि ये दिशाओं की बात है, वास्तु के गुण सत्य की बात है। तो सबसे पहले देर न करते हुए बात करेंगे पहले मैजिकल फॉर्मूला के बारे में। जी, दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है वहां पर प्रवेश का होना, यानी आपकी मेन एंट्री का होना वहां पर अच्छा नहीं होता। कभी भी साउथ वेस्ट में आपकी मेन एंट्री नहीं होनी चाहिए। यहां पर अंडरग्राउंड पानी का टैंक होता है, तो घर का जो मुखिया होता है उसके लाइफ के ऊपर अटैक पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि सीवर का जो टैंक यहां पर होता है, सेप्टिक टैंक, वो नुकसान करता है, ड्रेन कर देता है सारी प्रॉपर्टी को। अभी हमें याद आया, किसी ने हमें बुलाया था लास्ट वीक बेंगलोर में, उसने बहुत बड़ी कोठी बनाई, बंगला बनाया उसने बहुत बड़ा, और उसमें उसने तीन तरह के पानी साउथ वेस्ट में लगा दिए। एक तो सेप्टिक टैंक, दूसरा अंडरग्राउंड पानी का टैंक, और एक उसने रख दिया छत के ऊपर पानी की टंकी। ये तीनों ही पानी वहां पर गलत है। उसके बाद ड्रेन होना शुरू हो गया, पुराना जो पुराना मकान था उसको वापस आना पड़ गया एक साल के बाद में। तो जब जाकर देखा तो तीनों ही वहां पर मिले। अब क्या करें कि साउथ वेस्ट में रखें मुखिया को, उसको हमेशा भारी करें, ऊंचा करें, यहां पर कैश बॉक्स रखें अपना, और यहां पर जो है अगर लगाना है आपने तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पोस्टर लगाएं तो आपको मिलेगा सुख। चलिए, हमारे साथ कॉल जुड़ गई है, सबसे पहले जयश्री, उनसे हम बात करेंगे। जयश्री जी, स्वागत है आपका। हेलो, जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। जयश्री जी, एक अनुरोध आपसे कि टीवी सेट का वॉल्यूम या तो आप ऑफ कर लीजिए या फिर कहीं दूर आकर बात कर लीजिए। हाँ, वो मैं ऐसा बता रही हूँ कि वो दरवाजा किस तरफ रहना चाहिए, वो घर का आपका अपना खुद का दरवाजा कहाँ है, किस दिशा में, आप कुछ और चीजें भी बताइए। वो पश्चिम दिशा में है जी। देखिए, दिशा जो पश्चिम दिशा की बुरी नहीं होती, अच्छी दिशा होती है। आपका अगर मेन गेट अगर पश्चिम के मध्य में है तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। पश्चिम के साउथ वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, अच्छी दिशाएं होती हैं पूरब और उत्तर, अगर वहां पर गेट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और जमशेदपुर से हमारे अगली कॉलर जुड़ी है वंदना, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका वंदना जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर, ये कॉस्मिक रेज क्या होते हैं और वास्तु से क्या रिलेशन है? जी, समझ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये आज का जो आपको बताएं कि साइंटिफिक वास्तु का एक पार्ट होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो दिशाएं सब कुछ नहीं होती, दिशाओं के अलावा एनर्जी भी कोई चीज होती है जो कि जमीन के नीचे से निकलती है, आसपास से आती है। जो प्रश्न आपने पूछा है वो कॉस्मिक रेज होती है जो कि ऊपर से स्पेस से आती है। इनको चेक करने के लिए कॉस्मिक स्कैनर हमारे पास होता है, कंप्यूटर स्कैनिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। उससे ये पता चलता है कि मकान के किस भाग पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसी के हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। बहुत अच्छा, और आपने साइंटिफिक सवाल किया, धन्यवाद बहुत बहुत। तो वास्तु का एलिमेंट भी बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस एलिमेंट में कि कैसे आप अपने अंदर का जो तनाव है दूर कर सकते हैं, आपसे प्रेम को जो है बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आपका भाग्य भी चमक सकता है, ये बताएंगे आज के वास्तु एलिमेंट में। लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं आनंद जी से दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। साथियों, उत्तर दिशा जो होती है ये आपको बना सकती है धनवान।
उत्तर दिशा भ्रमण कैसे बनाती है? अगर यहाँ पर आप रखते हैं अपना कैश बॉक्स, यहाँ पर कैश काउंटर लगाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसके अलावा एक बड़े बड़े समुद्र के जो पोस्टर होते हैं वो यहाँ पे लगाइए, विशाल समुद्र जो कि खोल दे आपके होरिजन को, और उसमें हो एक सेलिंग शिप तैरता हुआ उसमें जहाज जो कि बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही जो बिजनेस मालिक है, जो कैशियर है और जो कैश की अलमारी है, ये सब उत्तर मुखी खुले। इसके अलावा उस अलमारी के ऊपर या उसके भीतर आप रखें एक गोल्डन कलर का मेरू श्रीयंत्र, थोड़ा सा पहाड़ की शेप का होता है, छोटा सा मिलता मार्केट में, उसको रखें तो आपको मिलेगा धन का लाभ। एक और जुड़ी हमारे साथ अनु है बेलगांव से, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका अनु जी। हेलो जी, अनु जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दो सवाल है, एक क्या हम अपने सीढ़ियों के नीचे यूटेंसिल धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है हमारा जो प्लॉट है वो थोड़ा क्रॉस रेक्टेंगल में है, बिल्कुल रेक्टेंगल करेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा क्रॉस हुआ है वो, और हमने अपनी बिल्डिंग हमने जो बांधा है वो बराबर स्क्वायर करके कंस्ट्रक्ट किया है, क्या हमारा कंपाउंड हमारा जो ऐसा क्रॉस है ना जी वैसे बिल्ड कर सकते हैं, या फिर करेक्ट स्क्वायर बनाकर ही कंपाउंड बनाना चाहिए? नहीं देखिए, आप सब आपकी बात समझ गए। आपने क्या करना है कि जो आपने कंपाउंड बनाया है, आपने जो कंपाउंड वॉल बनाई है, आपने बिल्कुल ठीक है स्क्वायर कर लिया, वो एक और दो के रेशियो में भी होता है तभी कोई समस्या नहीं होती। दूसरी बात, आपने बोली कि सीढ़ी के नीचे आपने कोई जगह सोने के लिए बैठने के लिए बनाते हैं तो वो जगह यूटेंसिल धोने के लिए हाँ चल सकती है आराम से, कोई समस्या नहीं है उसमें, कोई समस्या नहीं है। वहां पर आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, वहां पर आप वहां पर अखबार आदि रखिए, वहां पर बर्तन धोए कोई समस्या नहीं, पर फिर भी अच्छा रहेगा उस सीढ़ी के नीचे छोटी सी एक स्लैब बना लें जिससे कि ऊपर के जो वाइब्रेशन है वो नीचे ट्रेवल ना करें। चलिए नीरज से बात करेंगे, चंद्रपुर से हमारे साथ जुड़ी है। नीरज जी स्वागत है आपका। हेलो मैडम, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्कार सर। मुझे पूछना था कि जो किचन में वॉश बेसिन होती है वो लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, तो हमारी बेसिन राइट हैंड से, हमें क्या करना चाहिए? जी समझ गए। किचन में हमेशा जो पानी का जो सिंक होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुख होता है खाना बनाते समय हमेशा होता है पूर्व दिशा में। लेफ्ट में होने पर पानी आता है नॉर्थ, यदि आपका सिंक साउथ में बन गया है तो आपने क्या करना है कि पीने का पानी या पानी का एक घड़ा वो अपने उत्तर दिशा में आपने प्लेस करना है, साथ ही लगाना है एक बहुत छोटा सा मिरर जो कि सिंक के अपोजिट अपना जो है रिफ्लेक्शन दे, वो लगाना है आपने नॉर्थ के वॉल पर, उसमें आपका सिंक उठ के वहां से नॉर्थ से दिखाई पड़ेगा, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं और टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी हमारी ईमेल आईडी आएगी, उस पर भी आप हमें मेल कीजिए, मेरा वास्तु @liveindia.tv। लेकिन बिल्कुल हम आपको अब बता दें कि बोलती दिशाएं भी हमारा एक खास अंक होता है जिसके अंदर हम आपको हर बार एक ऐसी खास दिशा के बारे में बताते हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है। सवाल पूछते हैं उसका अपना जो वॉल्यूम है उसको बंद करते हैं टीवी का, बार बार कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपके सवाल आते हैं हमारे पास, सभी सुने उसको। जी हाँ, ये भी बिल्कुल बहुत खास बात इन्होंने बताई है कि टीवी सेट का वॉल्यूम आपको ऑफ रखना है तभी बात करनी है। फिलहाल आनंद जी से जानेंगे आज की बोलती दिशाएं। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं उस दिशा के बारे में जिसको मानते हैं सबसे ज्यादा बेकार दिशा, सबसे ज्यादा नेगेटिव दिशा, वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अगर ये साउथ वेस्ट इतना बुरा है, इतनी बुरी दिशा है, तो हम क्यों कहते हैं कि वहां पर आपका जो मुखिया रहना चाहिए, वहां पर आपका धन वहां पर रहना चाहिए? वहां पर ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साउथ वेस्ट है, अगर आप साउथ और वेस्ट में खिड़कियां कम बनाएंगे और नॉर्थ और ईस्ट में से खिड़कियां दरवाजे ज्यादा खोल देंगे तो वो जितनी भी एनर्जी नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है वो सबकी सब आके कहां रुकेगी? वो रुकेगी साउथ वेस्ट में। इसका मतलब वहां पर जो है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी का स्थान बन जाएगा, वहां पर आप जो है अनाज का भंडारण वहां पर करें, अपना पैसा वहां पर रखें, और यहां पर जो है छोटा सा बनाते हैं रॉक गार्डन, चाहे छत पे बनाए या नीचे बनाए, तो आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मरौल से हमें कॉल किया रत्नेश, उनसे हम बात करेंगे। रत्नेश जी स्वागत है आपका। जी रत्नेश जी। वेरी गुड इवनिंग। आपके पास बहुत कम आ रही है रत्नेश। पूरे घर का अगर वास्तु खराब हो तो क्या करना चाहिए? जी पूरे घर के अंदर, पूरे घर में सब कुछ उल्टा है। देखिए आपको बताते हैं एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल फार्मूला होता है, अगर पूरा का पूरा मकान अगर आपका नेगेटिव बन गया है तो बहुत अच्छा फार्मूला, आप नोट कर लें, सभी लोग नोट कर लें। अपने मकान को उठने के बाद सुबह उठते हैं तो कभी नेगेटिव नजर से ना देखें, उसको हमेशा आशीर्वाद देना शुरू कर दें कि मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा घर बहुत पॉजिटिव है। उसके अलावा जो आपको उपाय बताते हैं उसमें जो कुछ छोटे मोटे उपाय कर पाएं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में पानी का कोई छोटा मोटा वहां पर लगाएं फाउंटेन, और पूरब की खिड़कियां खोल दें तो भी आपके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएंगे। कभी मकान को कर्ज ना करो, कभी उसको जो है आप ऐसा ना बोलो कि मकान मेरा बेकार है, आशीर्वाद दे दो कि मेरा मकान बहुत अच्छा है और मुझे बहुत यादें फलीभूत होगा। बहुत अच्छा फार्मूला है। सही, यहाँ पर अपने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चर्चा होगी मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3, 4 और 5 की, साथ ही साथ होगा वास्तु एलिमेंट भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य।
Thank you.